ओट्स के अंदर, अगर बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, हंगर कंट्रोल के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर फाइबर अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, स्लो एब्जॉर्बिंग है, अच्छा है. सो इसके अंदर फाइबर है, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, फॉस्फरस है, थायमिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये है. उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप देख सकते हैं सर्विंग के हिसाब से. एक कह लीजिए आप 100 ग्राम के अंदर कैलोरीज आ जाएगी 3839, फैट 7 ग्राम आ गया, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया 66 ग्राम्स, प्रोटीन हो गया 17 ग्राम. तो अच्छे खासे इसमें आपको कैलोरीज भी मिल गई, ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड. कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है. टाइप्स आते हैं अलग अलग ओट्स के, और इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के ओट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन वो कैसे प्रोसेस किए गए, ठीक है. उसमें ओट्स, स्टील कट, स्कॉटिश ओट्स, ओट्स ब्रान, ऐसा क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, ये वो, जैसे इंस्टेंट नूडल वैसा ये भी बना दिया इसको. सो ओट्स भी प्रोसेस किए जाते हैं. होल ग्रेन, जैसे हम रोटी अनाज का, गेहूं का मैदा बना देते हैं, वैसी ओट्स की भी ऐसी तैसी करी है दुनिया में. बाकी होल ओट्स में बहुत बिल्कुल फायदा है, नो डाउट. सो अब वेट लॉस की बात कर लेते हैं. बीटा ग्लूकोन फाइबर्स, ऑब्वियसली इससे एक फायदा होता है, ये अट्रैक्ट करता है पानी को, और इसके वजह से क्या करता है, ये पानी के वजह से जो वॉल्यूम है पेट के अंदर वो बढ़ा देता है, तो पेट जल्दी भर जाता है, गट फुल फुले रहते हैं, मोशंस अच्छे खुल के आते हैं, फुला हुआ मस्त पेट रहता है, तो कम खाने में पेट भर जाता है. इससे क्या होगा, एक तो पानी ज़्यादा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, डाइजेशन स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, आपका कम खाने में पेट भर जाएगा, ऑब्वियसली इससे आपका वेट कम होगा. सो इससे सेटाइटी यानी पेट भी जल्दी भरेगा, और हॉर्मोन्स भी एपिटाइट रेगुलेटेड रहेंगे. सो दिस इज वन. डाइजेस्टिव हेल्थ भी जैसा मैंने बताया बेटर होगी, कुछ तरीके से आप कह लो कि मोशन पास करने में आसानी जिनको नहीं होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है. फाइबर्स ये सब गोल की जगह ओट्स भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, और ये होल फूड, होल ग्रेन्स, व्हीट ब्रान, ऐसी चीज़ों भी बहुत अच्छी रहती हैं फाइबर की जैसी. और इस चीज़ का जो बीटा ग्लूकान आपके सॉल्युबल फाइबर है, ये आपके पेट में जाके फर्मेंट होता है, उससे भी आपके माइक्रोब्स, जो गट माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी बढ़ती है, वो बहुत अच्छी है आपके लिए, पेट के लिए. सो इसके भी कई बार जो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं. तो ओट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल इन दीज पेशेंट. प्योर ओट्स एक्चुअली आर ग्लूटेन फ्री. प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्रोसेस करते हैं, उसके प्रोसेसिंग में ये क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे फैसिलिटीज जहाँ पर वीट, राई, बार्ली उसको भी प्रोसेस हो रहा है, तो साथ में प्रोसेस होता है, तो कंटेमिनेशन हो जाता है ना. कंटेमिनेशन होके वीट क्रॉप और ग्लू, उसके बाद मान लो वीट का आट, फिर ग्लूटन का, ये तो मिक्स हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उस कंटेमिनेशन की वजह से ग्लूटन क्वांटिटी बनती है, वरना प्योर ओट्स आर ग्लूटन फ्री. ठीक है, दैट्स हाउ इट इज. प्लस कई बार ओट्स को स्किन के ऊपर भी लगाया जाता है, ओट्स के, ओट मील को आप लगाएं स्किन के ऊपर, तो वो एक्जिमा, फेशियल आपके इरिटेशन, कई चीजों में भी फर्क पड़ता है. ओट मील बाथ भी होती है एक, वो भी लोग यूज करते हैं. सो ओट्स के इतने दुनिया भर के बेनिफिट आपको बता दिए, कई रिसर्च बता दिए. आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ऐसे टॉपिक्स फिर से हम लेंगे और लेंगे, आते रहेंगे. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.